माय चैनल। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है पेपर रोलिंग स्नेक। उसके लिए हमें चीजें चाहिए। हमें दो कलर पेपर चाहिए, सीजर, पेंसिल, इरेजर, ग्लू और स्केच पेन। फिर हमें उसमें से स्ट्रिप्स कट करनी है। मैंने यहाँ पे एक स्केल जैसी चौड़ाई रखी है और मैंने दोनों कलर की स्ट्रिप्स कट कर ली है। अब हम बनाएंगे स्नेक का मुंह। चलो, और हम साथ में उसकी पूंछ भी बना लेंगे। अब बारी है काटने की। ये हमारा हो गया मुंह। मैंने डबल पेपर में किया है फोल्ड करके। उसकी पूंछ भी बन गई। तो अब जो स्ट्रिप्स बची थी हमारे पास, उसको इसके साथ हम स्टिक कर देंगे कुछ ऐसे। ये हमारा मुंह हो गया रेडी। अब हम उसकी पूंछ बना लेते हैं। वही प्रोसेस है। चलो,
ये हमारी पूंछ हो गई बन के रेडी। ठीक है, चलो अब हम उसको स्नेक के अंदर डाल देते हैं। फिर हमें इन दोनों को स्टिक कर देना जो हमने अलग अलग किया था, कुछ ऐसे। ठीक है, चलो रेड। ठीक है, उसको हम अच्छे से ऐसा कर लेंगे, बीच में ले लेंगे। अब उसके मुंह के बारे उसी तरीके से हमें मुंह को भी चिपका लेना है। हमारा मुंह हो गया बनके रेडी और पूंछ भी। तो अब हम उसकी बनाएंगे आईज और उसका टंग। तो चलो बनाते हैं। हम उसकी टंग रेड पेपर में से बनाएंगे। ये हमने स्नेक की टंग बना ली, तो अब बारी है इसको चिपकाने की। तो चलो चिपका दिया। अब हम बनाएंगे उसकी आईज, वो हमें व्हाइट पेपर से बना लेनी है। अब हम स्केच पेन से उसका नाक बना देंगे कुछ इस तरीके से। हमारा स्नेक बन के हो चुका है रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा स्नेक कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, अगली वीडियो में मिले हम।